जैक डायरे जो अपन ने पिछली बार करी थी उसी को आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। डेम डी एज इंटीजर इक्वल टू न्यू इंटीजर टू, तो 0, 1, 2 तीन रो। पहली रो में मैंने चार कॉलम अलॉटेड न्यू इंटीजर 3 से, दूसरी रो में तीन कॉलम अलॉटेड, तीसरी रो में न्यू इंटीजर 4 मतलब 5 कॉलम्स अलॉटेड किए हैं। और इसके अंदर आपको ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज लगाने कंपलसरी है। आप चाहो तो इसके अंदर वैल्यू दे सकते हो, चाहो तो वैल्यू मत, वो आपके ऊपर। अब इस एरे में किधर से इनपुट देना है, तो बाहर वाला लूप चलना चाहिए 0 से लेकर 2 तक। तो फॉर रो इक्वल टू 0 to d.length-1, डी किसका नाम है, जैक डायरे का, उसकी लेंथ कितनी है 3, क्योंकि मैंने यहाँ 2 दिया है तो उसकी लेंथ 3 है, तो 3-1 मतलब 2, तो 0 से लेकर 2 तक लूप चलेगा। अब अंदर वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए, जब रो की वैल्यू 0 है तो 3 तक चलना चाहिए, मतलब 4 बार। जब रो की वैल्यू 1 है तो 2 तक चलना चाहिए, रो की वैल्यू 2 है तो 4 तक चलना चाहिए। तो कॉलम वाला लूप कितनी बार चलेगा, कॉल इक्वल टू 0 to d of row.length-1, जब रो की वैल्यू 0 है तो d ऑफ 0 की लेंथ कितनी है, d ऑफ 0 की लेंथ कितनी है उस केस में, यहां पे है दिया हुआ है अपन ने 3, तो d ऑफ 0 की लेंथ है 4। और लूप कहां तक चलाना है, 3 तक, तो d ऑफ रो डॉट लेंथ माइनस 1 मतलब 0 से लेके 3 तक लूप चलेगा। और ये लूप में मैंने यूजर से इनपुट लिया, जब ये लूप चल के एंड होगा तो रो 0 में इनपुट आ गया, अब ये वापस ऊपर जाएगा, अब रो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कॉलम वाला लूप कहां तक चलना चाहिए, जो भी d ऑफ रो, रो का मतलब क्या है, d ऑफ 1 की लेंथ कितनी है 3, 3-1 मतलब 2 तक लूप चलना चाहिए। तो ये 0 से लेकर 2 तक लूप चलेगा और रो इंडेक्स 1 के कॉलम्स में इनपुट लेगा। फिर जब ये वापस ऊपर जाएगा तो अब रो की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर रो की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे d ऑफ 2 की लेंथ कितनी है 5, लूप कहाँ तक चलना चाहिए 5-1 मतलब 4 तक। तो 0 से लेके 4 तक लूप चलेगा जो रो नंबर 2 के सारे कॉलम्स में इनपुट लेगा। अब मुझे आउटपुट डिस्प्ले करना है तो वापस 2 लूप चलेंगे, बाहर वाला 0 to d.length-1, अंदर वाला 0 to d of row.length-1। और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया, d of row call की वैल्यू और फिर टैप। और फिर जब ये अंदर वाला लूप एंड होगा तो मुझे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होना है, तो console.WriteLine। अब आउटपुट डिस्प्ले करवाने के केस में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे रो और कॉलम इंडेक्स अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर देनी है। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं फंक्शन, मुझे एक फंक्शन बनाना है 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो ये फंक्शन बना हुआ है जिसको मैंने मार्क किया है, ये एक फंक्शन बना हुआ है। अब इसमें होता क्या क्या है वो देखें अपन। फंक्शन तो यहाँ पे कीवर्ड है और फंक्शन एंड होता है एंड फंक्शन, फंक्शन एड, ये है फंक्शन का नाम। अब फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो ये इसके आर्ग्यूमेंट है एक्स एज इंटीजर कॉमा वाई एज इंटीजर, ये इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स। अब फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना चाहिए वो अपन लास्ट में देते हैं, C++, जावा, C#, सब में तो स्टार्टिंग में देते हैं, यहाँ पे अपन लास्ट में देते हैं। जैसे सी में फंक्शन से एड फंक्शन से लॉन्ग रिटर्न करवाना हो तो अपन शुरू में लिख देते हैं लॉन्ग एड, लेकिन यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप लास्ट में दिया जाता है, तो ये है इसका रिटर्न डेटा टाइप एज लॉन्ग। तो फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद में रिटर्न डेटा टाइप के लिए आपको एज कीवर्ड लगाना है, और जो भी डेटा टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाहते हो वो देना है। फिर मुझे जो इसके पास 2 आर्ग्यूमेंट आए हैं, एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब ans के अंदर मुझे दोनों का सम करना, तो ans का टाइप मैंने लिया लॉन्ग, अगर मैं 2 इंटीजर्स का सम करूंगा तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही आता है, मुझे क्या करना है, रिजल्ट लॉन्ग में चाहिए। तो ans इक्वल टू clng ऑफ x, x को पहले मैंने लॉन्ग में कन्वर्ट किया,
फिर वाई को उसके अंदर ऐड किया, तो लॉन्ग और वाई मतलब इंट को ऐड करेंगे तो रिजल्ट किसमें आएगा, लॉन्ग में, और वो ए एन एस में स्टोर हो जाएगा। और फिर उसको मुझे रिटर्न करवाना है, तो जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में रिटर्न स्टेटमेंट होता है वैसे यहाँ पे भी रिटर्न ए एन एस। तो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट होता है, रिटर्न और जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करवाना। ये जो मैंने फंक्शन बनाया इसको मेन से कॉल करें, तो मैंने यहाँ पे मेन में ए और बी इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए, कॉन्सोल डॉट रीड लाइन का यूज करके ए और बी में इनपुट लिया, रिजल्ट एज लॉन्ग डिक्लेयर किया। अब ये मैंने एड नाम के फंक्शन को कॉल किया और इसको ए और बी पास किया, ए और बी में मैंने यूजर से इनपुट लिया, तो ए और बी क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन को कॉल करते हुए जो अपन पास करते हैं उनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो एड फंक्शन कॉल होगा, ए और बी जो है वो फंक्शन के पास जाएंगे और फंक्शन उनका सम करके रिटर्न करेगा जो रिजल्ट में असाइन हो जाए। तो फंक्शन को कॉल करने में कुछ नया नहीं है, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में कॉल करते हो वैसा ही है। फंक्शन बनेंगे किसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर, और मॉड्यूल के अंदर ये कहीं भी बन सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर तो मेन बनाया और नीचे फंक्शन बनाया, सी में तो आपको पहले फंक्शन प्रोटोटाइप देना पड़ता है, यहाँ पे सारे फंक्शंस मॉड्यूल में बनेंगे। आप चाहो तो उनको कॉल करने से पहले बनाओ, मतलब मेन के ऊपर, चाहो तो मेन के नीचे बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल जावा या सी शार्प जैसा, जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है उनके लिए जावा जैसा, और जिन्होंने जावा नहीं पढ़ी हुई है सी शार्प पढ़ी हुई है उनके लिए सी शार्प जैसा। वहां पे फंक्शन सारे क्लास में बनते हैं, किसी भी जगह बना सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल में बनेंगे, तो मॉड्यूल में आप मेन के ऊपर बनाओ मेन के नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन प्रोटोटाइप जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब vb.net के प्रोसीजर्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। प्रोसीजर होता क्या है, पहले तो नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे दो नंबर को ऐड करने के लिए प्रोसीजर, प्राइम नंबर की सीरीज डिस्प्ले करवाने के लिए प्रोसीजर। तो प्रोसीजर तीन तरह के होते हैं vb.net। फंक्शन प्रोसीजर जो कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, सब प्रोसीजर जो कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, ये सी के वॉइड वाले मान लो आप, वॉइड रिटर्न टाइप वाले। और तीसरे होते हैं प्रॉपर्टी प्रोसीजर जो क्लासेस के अंदर होते हैं। तो अभी तो क्लास अपन ने किया नहीं है, तो अभी अपन ये दो डिस्कस करेंगे, पहले फंक्शन प्रोसीजर और सब प्रोसीजर। फंक्शन जो अपन ने पिछले प्रोग्राम में किया, जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता है, सब प्रोसीजर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है। तो ये आप मेन देखोगे ना, सब मेन, ये मेन क्या है, सब प्रोसीजर है, सब मेन एंड सब। फंक्शन स्टार्ट होता है फंक्शन से, सब प्रोसीजर स्टार्ट होता है सब से। नेक्स्ट है, मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसमें मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स। अब मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट कैसे होंगे, वो देखें अपन। मैंने यहां पे एक फंक्शन बनाया मैक्स, जिसके दो आर्ग्यूमेंट है, एक्स एज इंटीजर कॉमा वाई एज इंटीजर, और ये रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है। अब कैसे, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई देन रिटर्न एक्स, अगर एक्स वाई से बड़ा है तब तो एक्स रिटर्न करे, अदरवाइज वाई रिटर्न। तो इफ कंडीशन लगा के अपन एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हैं। और ये फंक्शन एंड कैसे होगा, एंड फंक्शन से। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो उस केस में उसको मैं मेन से कॉल किया है मैंने फंक्शन को, तो मेन के अंदर मैंने यूजर से ए और बी का इनपुट लिया है, ए में और बी में इनपुट लिया, और रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। ए क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ये किसमें जाएगा, एक्स में, एक्स हो गया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। बी है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ये किसमें जाएगा, वाई में, वाई क्या है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। जो भी एक्स और वाई में से बड़ा होगा वो रिटर्न होके किसमें असाइन हो जाएगा, रिजल्ट में, और रिजल्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स और वाई में से ही कुछ रिटर्न करेगा, मतलब इंटीजर रिटर्न करेगा, इसलिए अपन ने फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या दिया है, इंटीजर। पता लगेगा, तो अपन
सब प्रोसीजर का एक एग्जांपल कर रहे हैं जिसको आप जिससे आपको सब प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो एक्चुअली पता लग। मैंने यहां मेन के अंदर कॉल किया डिस्प्ले सीरीज को और 3 और 7 पास किए और एक डिस्प्ले को कॉल किया। तो सबसे पहले अपन देखें जो डिस्प्ले कॉल हुआ है सब डिस्प्ले, ये एक सब प्रोसीजर है बिना किसी आर्ग्यूमेंट वाला, सबसे स्टार्ट होगा एंड सब पे एंड होगा। और इसके अंदर मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया है हेलो, तो जब डिस्प्ले कॉल होगा तो हेलो मैसेज प्रिंट होगा। ऐसे डिस्प्ले सीरीज 3.7 ये भी सब प्रोसीजर है, सब डिस्प्ले सीरीज और एंड सबसे ये एंड हो रहा है। इसमें मैंने लिखा है 3 किस में जाएगा इस केस में, ए में, 7 किस में जाएगा बी में। मैंने लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू ए टू बी, मतलब फॉर आई इक्वल टू 3 to 7 ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा तो आउटपुट क्या आएगा 3, 4, 5, 6, 7। इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट जैसा कुछ नहीं है क्योंकि ये सब प्रोसीजर। अब सब प्रोसीजर का यूज होता है अगर आपको उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स बस एग्जीक्यूट करने हो, जो कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसके बाद डेटा या तो डिस्प्ले कर रहे हो या कहीं डेटाबेस में या फाइल में स्टोर कर रहे हो। जब अपने को कुछ कैलकुलेशंस का रिजल्ट रिटर्न करवाना है तो फंक्शन बनाएंगे, और जब सिर्फ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं तो अपन सब प्रोसीजर बनाएंगे। दोनों ही प्रोसीजर्स हैं, सब प्रोसीजर, फंक्शन, प्रोसीजर। सबसे सिंपल कहें ये तो इसका कुछ नाम होता है, भले वो सब प्रोसीजर हो या फंक्शन प्रोसीजर, तो उसका कुछ नाम होता है और उसके कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। सब प्रोसीजर का रिटर्न टाइप नहीं हो सकता है, फंक्शन प्रोसीजर का रिटर्न टाइप होता है, बाकी कॉल करने का तरीका दोनों का सेम। नेक्स्ट है प्रोसीजर को एरे कैसे पास की जाती है। मैंने लिखा dim d of 2 as integer, तो 3 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर होगी, d of 0 equal to 100, d of 1 equal to 200, d of 2 equal to 500। ये मैंने एरे में वैल्यूज स्टोर करी। डिस्प्ले नाम के प्रोसीजर को मैंने d पास किया, मतलब एरे, तो ये d किस में जाएगा, इस b के अंदर। तो d तो हो गया एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और b हो गया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एरेज हमेशा बाय रेफरेंस पास होती हैं, तो d एरे और b एरे सेम है इसका मतलब। अब मुझे क्या करना है, लूप चला के इस एरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने लिखा dim i as integer फॉर ईच आई इन बी, तो बी नाम की एरे में से एक एक वैल्यू किस पे आएगी, आई में, और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। एरे को प्रिंट करवाने के लिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज किया, आप चाहो तो सिंपल फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। इस प्रोग्राम में मेरे समझाने का मतलब टोटल ये है कि डिस्प्ले नाम का एक सब प्रोसीजर है जिसको एरे पास की गई, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एरे टाइप का है, तो इसका जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होगा डिस्प्ले का वो भी एरे टाइप का ही होगा, मतलब इसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज लगेंगे। अगर मैं राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज यहां से हटा दूंगा तो एरर आए। नेक्स्ट है मुझे फंक्शन से एरे रिटर्न करवानी। अभी तक तो आपने क्या किया, फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, अब मुझे फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवानी हो तो कैसे करवाएंगे वो देखें अपन। मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर करी ए ऑफ 3, 4 एलिमेंट की एरे, बी ऑफ 3 ये भी 4 एलिमेंट की है, मेन के अंदर डिक्लेयर करी, आई डिक्लेयर किया, लूप चला के मैंने ए नाम की एरे में यूजर्स से इनपुट किया। तो जब ये लूप एंड होगा तो ए नाम की एरे में यूजर से इनपुट हो जाएगा। अब मैंने स्क्वायर्स नाम के फंक्शन को कॉल किया और इसको ए पास किया, मतलब फंक्शन को मैंने एरे पास करी, और फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो बी में असाइन होगा, बी भी एक एरे है, तो मैं फंक्शन को पास भी एरे ही करूंगा और फंक्शन से रिटर्न भी एरे ही करवाऊंगा। अब ये अपन समझें कि किस तरह से होगी इसकी वर्किंग। मैंने यहां पे नीचे बनाया स्क्वायर्स फंक्शन, स्क्वायर्स फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, एक आर्ग्यूमेंट है इसका एन एज इंटीजर,
तो स्क्वायर्स फंक्शन में जो ए एरे पास करी है वो किस में जाएगी, एन एरे। एन एरे में मान लो ये वैल्यूज हैं 10, 2, 4 और 5, ये सब अपन मान के चल रहे हैं। मैंने यहां डिम आरईएस एज इंटीजर, आरईएस नाम की एरे डिक्लेयर करी। अब आरईएस एरे का साइज मुझे क्या करना है, जिसमें मुझे रिजल्ट स्टोर करना है उस एरे का साइज वही होना चाहिए जो एन एरे का साइज। तो रीडिम आरईएस एन डॉट लेंथ माइनस वन। एन की लेंथ क्या है, यहां पे देख रहे हो आप इसमें चार वैल्यूज हैं तो इसकी लेंथ 4 है, तो आरईएस एरे का भी लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3। लेंथ माइनस वन मतलब 3, तो ये भी 4 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर हो जाए। अब इस एरे के अंदर मुझे क्या करना है, 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर स्टोर करना है। तो मैंने लूप चलाया 0 से लेके एन डॉट एट अपर बाउंड तक। आरईएस ऑफ आई मतलब आरईएस के 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, एन ऑफ 0 इंटू एन ऑफ 0, तो एन ऑफ 0 की क्या वैल्यू है, 10। तो 10 इंटू 10 100, ये स्टोर होगा आरईएस एरे में 0 इंडेक्स पर। अगली बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 स्टोर होगा आरईएस एरे में 1 इंडेक्स। फिर i की वैल्यू 2 होगी, 4 इंटू 4 16 असाइन होगा आरईएस में 2 इंडेक्स पे, और फिर 5 इंटू 5 25 असाइन होगा आरईएस एरे में 3 इंडेक्स पे। और इसके बाद मैंने आरईएस एरे को रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने पे ये आरईएस एरे किसके अंदर रिटर्न होगी, b के अंदर। तो b एरे में ए एरे के एलिमेंट्स के स्क्वायर स्टोर होंगे, जिसको मैंने लूप चला के प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है आरईएस, मतलब एक एरे। तो फंक्शन के रिटर्न टाइप में आपको क्या देना है, एज इंटीजर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसका मतलब ये फंक्शन एरे रिटर्न करेगा। अगर मैं राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं लगाऊं, इसका मतलब फंक्शन सिंगल इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवानी हो तो उसका एक और एग्जांपल। अब की बार मैंने फंक्शन बनाया मेन से पहले, फंक्शन कैलकुलेट जिसके दो आर्ग्यूमेंट हैं, ए एज इंटीजर और बी एज इंटीजर, और फंक्शन एरे ही रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे एरे मैंने फिक्स कर दी, रिजल्ट ऑफ 3 एज इंटीजर, 4 एलिमेंट की एरे। रिजल्ट के 0 इंडेक्स पे मैंने ए प्लस भी असाइन किया, 1 पे ए माइनस भी, ऐसे ही 2 और 3 पे भी मैंने वैल्यू असाइन करी, और फिर मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। तो ये मैंने क्या किया है, फिक्स कर दिया कि मुझे फंक्शन से 4 एलिमेंट की एरे ही रिटर्न करवानी। तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं। अब जब अपन इसको मेन से कॉल करेंगे, तो मेन में मैंने एक्स और वाई लिए इंटीजर टाइप, इसमें यूजर से इनपुट लिया। मान लो यूजर ने एक्स में दिया 10, वाई में दिया 5। यहाँ पे मैंने ए एन एस एरे डिक्लेयर कर, कैलकुलेट फंक्शन को मैंने एक्स और वाई पास किए, और फंक्शन क्या करेगा, इनको सबको एरे में स्टोर करके और रिजल्ट एरे को रिटर्न करवाएगा जो ए एन एस में असाइन होगी। जब अपन ए एन एस ऑफ 0 को प्रिंट करवाएंगे तो सम प्रिंट होगा, 1 पे डिफरेंस, 2 पे मल्टीप्लिकेशन और 3 पे डिवीजन। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जब मुझे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवानी हो तो मैं उनको सबको एक फिक्स साइज की एरे में स्टोर करके रिटर्न करवा दूं, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। मान लो मुझे फंक्शन से में एक एरे पास करनी है, उसके मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज निकालनी है, तो मुझे फंक्शन से 3 ही वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो मैं रिजल्ट ऑफ 2 लिखूंगा उस केस में। यहाँ तो 0 इंडेक्स पे मैं मिनिमम असाइन कर दूंगा, 1 पे मैक्सिमम और 2 पे एवरेज।